शुरुआत मानी जाती है, क्रांतिकारी शुरुआत मानी जाती है। पूरे शिव कुमार मोदी जी का स्वागत करेंगे हेतु डॉक्टर एनएमसी है स्वागत करने हेतु हम आग्रह करते हैं श्री संजीव की ज्योति की प्रसरण ज्ञान की ज्योति किस प्रकार डायग्नोस्टिक सेंटर यार निजी सेक्टर के लोगों को एक एग्रीमेंट के आधार पर इन्होंने रखा है एमआरआई वगैरह के लिए, लेकिन अब जिस प्रकार से एनएमसीएच को विकसित करने का हम लोगों का विचार है, वैसी परिस्थिति में एमआरआई आदि की सुविधा इस कैंपस में भी सरकारी तौर पर की जानी चाहिए। और हमने यह जो एलोपैथिक सिस्टम है उसमें इलाज है, उसमें तो सबसे बड़ी चीज है जांच। अब पहले की बात तो उतनी नहीं है कि लोग देख करके ही और हालचाल पूछ करके दवा दे देते थे, वो समय चला गया। अब धीरे धीरे तो सब कुछ सारे चिकित्सक अब तो जांच पर आधारित हो गए, तो जान भी जाते हैं कि वायरल का शिकार है तब भी कल होकर के कोई खतरा ना हो सब प्रकार का जांच करवा देते हैं उसका। तो एलोपैथिक सिस्टम में तो बिना जांच के कुछ हो ही नहीं सकता, तो जांच की व्यवस्था तो पूरी हो जानी चाहिए। तो मुझे खुशी है कि एनएमसीएच में बहुत ही अच्छे ढंग से सारी व्यवस्था की गई है और अब इससे मरीजों को सुविधा होगी। 100 छात्र छात्राओं की पढ़ाई होती है, 100 सीट है, ये बढ़ करके 250 सीट का हो जाएगा ये कॉलेज। और अभी जो पता ही है लगभग 700 के करीब है बेड, 700 कुछ कितना है, 750। और जो हम लोगों का विचार है वो बन जाएगा 2500 बेड का हॉस्पिटल होगा। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल ये बनेगा और हम लोग चाहते हैं कि ये बने, इसका सब बिल्डिंग पूरे तौर पर तैयार हो जाए, 2 फेज 3 फेज जिस फेज में भी आप प्रस्ताव दीजिए और एक एक करके काम। और जो मुझे जानकारी दी गई कि काफी काम आप लोगों ने किया है, और ये नर्सिंग कॉलेज की बात है आप जान लीजिए, हम लोगों ने तय कर लिया कि हमारे यहाँ जितने मेडिकल कॉलेज हैं सब में नर्सिंग कॉलेज भी खुलेगा। और ठीक कहा माननीय उप मुख्यमंत्री जी, और नर्सिंग कॉलेज भी हर मेडिकल कॉलेज और हर जिले में जीएनएम संस्थान, हर जिले में पैरामेडिक संस्थान, हर सब डिवीजन में एएनएम स्कूल। हम लोग चाहते हैं कम से कम चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में सिर्फ चिकित्सक की जरूरत नहीं है, नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है, पैरामेडिक स्टाफ की जरूरत है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों का, उसकी कमी है, ठीक कहा, सब जगह कमी है। तो इसीलिए तो हम लोगों ने देखा कि भाई हमारे यहाँ की लड़कियों के लिए अगर यह सब सुविधा हो जाए तो रोजगार का कोई संकट नहीं रहेगा। अब जो नर्सिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन करके निकलेगी उसको इंतजार करना पड़ेगा उसको रोजगार के लिए। जीएनएम संस्थान वाले का भी वही हाल है, पूरे देश में जरूरत, अपने बिहार में भी जरूरत। और केंद्र सरकार के बजट में वित्त मंत्री जी ने जो ऐलान किया है मैंने तो तत्काल उसकी प्रशंसा की, मामूली बात नहीं। एक परिवार को 50 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ परिवार को पहले फेज का इनका टारगेट है कि उनको इलाज में 5 लाख रुपए तक की जरूरत है तो 5 लाख की सीमा तक की सहायता देगी सरकार। तो ये तो कोई मामूली बात नहीं। टीबी, और कभी आपने केंद्रीय बजट में सुना होगा, बिहार सरकार ने भी तय किया है कि टीबी के मरीजों को मुफ्त दवा के साथ साथ प्रति माह 500 रुपया मुफ्त भोजन के लिए भी, पौष्टिक आहार के लिए भी उनको प्रति माह पैसा दिया जाएगा। और
हाइपरटेंशन है, अब तो जितेंद्र सिंह क्या बैठे हैं, अब तो कैंसर ने अमीर और गरीब की दूरी को भी खत्म कर दिया है। भारत के अंदर 65% से ज्यादा डिलीवरी अस्पतालों पे हो रही है। तो मैं बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं से और परिवारों से अपील करूंगा कि जो प्रसव है उसको घर में मत कराइए। सरकार ने अस्पतालों में सुविधा प्रदान की है तो संस्थागत प्रसव कराइए ताकि बच्चे की मौत ना हो, माँ भी सुरक्षित रहे और बच्चा भी सुरक्षित रहे। स्वार्थ मंत्री जी बड़ा बढ़िया भवन बनाया, बड़ी प्रशंसा आपकी हो रही, लेकिन वो कमी रह गया कि इसमें लिफ्ट नहीं लगा। तो लिफ्ट चाहिए ना। आप विश्वास करो, जिस प्रकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और जिस प्रकार के मुख्यमंत्री जी आप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कोई कमी अगर रह गई होगी उसको दूर करने की क्षमता केवल इन्हीं लोगों में है, किसी और में नहीं। मैं स्वास्थ्य मंत्री साहब के साथ जब यहाँ आए तो आपने भी इच्छा व्यक्त की थी, यही बैठे हुए हैं जिनके पास स्वास्थ्य विभाग वो है ताकि अस्पताल और कॉलेज सब एक साथ रह जाए, लोगों को सुविधा हो। प्रसन्नता हो रही है, स्वास्थ्य सेवाओं में तो विकास हो ही रहा है, शहर के विकास के लिए भी अब नौजर घाट से आगे नूरपुर घाट तक 218 करोड़ रुपए की लागत से हर घाट पर स्नान घाट, सीढ़ी, इसके विकास का काम अगले 3 साल के अंदर किया जाएगा, ये बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है। और आज बिहार के अंदर ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस डायग्नोस्टिक का जो बना है, लगभग 43.5 करोड़ रुपए की लागत से यह सेंटर बना है और इस सेंटर के माध्यम से आगे आने वाले दिनों में यह पूरे बिहार का एक मॉडल होगा, रिसर्च सेंटर होगा और जो डायग्नोस्टिक मतलब जितनी प्रकार की जितनी तरह की स्वास्थ्य सेवाओं में जांच की जाती है वह सभी सुविधाएं एक छत के नीचे बिहार की जनता को मिलेगी और उसके साथ साथ रिसर्च के भी काम इस जगह पर होंगे। बिहार के लिए एक बहुत बड़ा उपहार आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के उपमुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हम बिहारवासियों को यह प्राप्त हुआ है।